डॉक्टर मुमताज मेहदी साहब और जनाब लतीफुद्दीन लतीफ साहब, आज हम शायरी की एक ऐसी सिमत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसे रुबाई कहा जाता है। रुबा अरबी में चार को कहते हैं, और इस किस्म की जो शायरी होती है जिसमें चार मिसरे होते हैं, उसी मुनासिबत से इसे रुबाई कहा जाता है जी। रुबाई में चार मिसरे होते हैं, और पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम खाफी और हम रदीफ होते हैं। रुबाई में अखलाकी सूफियाना ख्यालात ही बयान किए जा सकते हैं, और इसका वजन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर है जी। उर्दू जबान और अदब में यह सिर्फ इब्तदा ही से पाई जाती है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर से ही रुबाइयत हमें मिलती हैं। यह सिर्फ अरबी से फारसी में मुंतकल हुई और फारसी से उर्दू में मुंतकल हुई। फारसी जबान में भी बहुत बड़े बड़े रुबाई गो शोरा गुजरे हैं, और उर्दू में जब मुंतकल हुई तो तकरीबन हर शायर ने इस सिन्फ शायरी पर तबाह आजमाई की, लेकिन खास तौर पर हैदराबाद दक्कन के जो शायर हैं हजरत अमजद हैदराबादी, इन्होंने इस सिन्फ जुबान को बहुत बढ़ावा दिया। चूंकि हजरत अमजद हैदराबादी का ताल्लुक एक दीनदार घराने से था, इनकी सोच व फिक्र भी दीनी थी, इसीलिए उन्होंने इस सिन्फ को पसंद किया। दूसरे असनाब पर भी उन्होंने तबाह आजमाई की है, लेकिन बहसे थे रुबाई वो शायर ये तमाम शोरा में मुमताज मुकाम के हामिल हैं। तो ये रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है, और तीसरा मिसरा रुबाई का निचोड़ होता है, और जब तक हम चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं कर लेते, रुबाई का मकसद या मफहूम या शायर क्या कहना चाह रहा है वो वाज़ह नहीं होता। तो बहरहाल ये एक खूबसूरत सिन्फ है उर्दू में, जिसके मशहूर शायर हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले हैं हजरत अमजद हैदराबादी, उन्हीं के रुबाइयत के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मुमताज मेहदी साहब भी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो किसी एक रुबाई से अपनी बात का जो है आगाज करें। डॉक्टर मुमताज मेहदी साहब से। जी जी, अमजद हैदराबादी कहते हैं जी, हर चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, क्या कहना है, मिन्नत से जी, खुशामद से, अदब से मांगो। वाह, क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, मशहूर रुबाई है ये। मुमताज भाई, मैं चाहूंगा कि इस रुबाई में जो अल्फाज इस्तेमाल किया है शायर ने, उसकी थोड़ी सी तशरीह पहले हो जाए तो ज्यादा मुनासिब है, कि हमको समझने में आसानी हो जाएगी रुबाई का मकसद क्या है। जैसे हर चीज मुसब्बिब, मुसब्बिब सबब से मांगो जी, या मुसब्बिब और सबब दो अल्फाज इस्तेमाल किया है शायर ने जी। हाँ, ये है कि हमारी आवश्यकताओं को जी, जी, जरूरतों को, जरूरतों जी, को जो कहते हैं जी, तो हिंदी में आवश्यकता जी, पूरा करना, जिसकी जिम्मेदारी है जी, उसी से अपनी आवश्यकता को मानना चाहिए जी, ये हमारे सबब मींस आवश्यकता, जरूरत है, जरूरत, मुसब्बिब मतलब आवश्यकता पैदा करने वाला, पूरा करने वाला, यानी अल्लाह ताला ही है हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला। वही कहते हैं कि जी, जिससे मांग रहे हो उसकी इज्जत यानी आदर, आदर करना, उसके का ध्यान रहे, ध्यान रहे जी, नेस्ती और नम्रता, नम्रता आजिजी इनके सारी, आजिजी और इनके सारी के लिए नेस्ती और नम्रता जी, खुलूस से ही अपने काम बनते हैं। याद रहे केवल और केवल, सिर्फ और केवल ऊपर वाले से मांगो, कि ऊपर वाले ने तुम्हारी हर हर आवश्यकता का पूरा करने का वादा किया। बेशक बेशक, इसका लबे लुबाब ये है। मैं समझता हूँ कुछ और मजीद आप रोशनी डालना चाहें जी। नहीं, वो अब नीचे लिखा है मिन्नत जी, खुशामद, तो ये तो लब है आसान है, फिर भी मैं समझता हूँ कि रिक्वेस्ट
मिन्नत मतलब आजिज़ी इनके सारी नेस्ती नम्रता जो बताया ना। खुशामत का मतलब यहाँ पर जो है, खुशामत का मतलब जो है शुक्रगुजारी भी है कि भाई आपको जो नेमत अल्लाह ताला ने दिया है उसके पर शुक्र अदा करते हुए फिर मांगो उसे कि तूने मुझे ये तो दिया है, मुझे और ये चाहिए। वो जो है पहले शुक्र अदा कर उसका, फिर आजिज़ी से मिन्नत से मांगना चाहिए। बहरहाल जो है मैं समझता हूँ लतीफ साहब के अमजद हैदराबादी ने बहुत एक अच्छी बात यहाँ कही है और ये ईमान का तकाजा भी है कि भाई हमको एक अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तकाजा के माने वही है कि जी तकाजा मतलब मुतालबा करना, किसी चीज को मांगना, और तकाजा का मतलब यह है कि बार बार इंसिस्ट करना उसके ऊपर, जोर देकर मांगना। तकाजे का मतलब यह है कि जोर देकर मांगा जाए, मांगने में जोर होना चाहिए। यहाँ जोर का मतलब कोई गलत मानों में नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है बल्कि अपनाइयत है, चाहत है और पूरे यकीन और ईमान के साथ मांगना चाहिए, तभी अल्लाह ताला देने के लिए। बहरहाल वो तो देने वाला है, बिना मांगे भी देता है, लेकिन अगर मांगना हो तो मिन्नत से खुशामद से मांगना चाहिए, किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। वो वजह ये है कि दूसरे आखिरी मिसरे में कहता है अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह ही से मांगो, गैर से मत मांगो, चूंकि तुम गैर के बंदे नहीं हो। गैर का मतलब यहाँ पर अल्लाह को छोड़कर तमाम दुनिया की जितनी मखलूकात है वो सब की सब गैर में शामिल हो जाती है, चाहे वो बॉस हो, ऑफिसर हो, कोई बड़ा आदमी हो, सियासतदान हो, मजहबी लीडर हो, सब सब गैर हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक अल्लाह का तसव्वुर उसको उभारा है शायर ने और कहा कि तुम अल्लाह के पैदा किए बंदे हो, तब तुम्हें अपनी जरूरतों को चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो वो अल्लाह से ही मांगना चाहिए। एक हदीस शरीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अपने जूते का तस्मा भी मांगते तो अल्लाह ताला से ही मांगते, हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल हकीर सी चीज है तस्मा, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ताला से मांगा जाता था। तो बहुत अच्छी बात जो है रुबाई कही है। बंदा दरअसल मजबूरी है, तो वो भी बंदा जो है भाई अल्लाह ही से मांगता है, उसको भी देने वाला अल्लाह ही है। इसीलिए अमजद हैदराबादी ने शुरू से आखिर तक यही बताया कि मुसब्बिस बे सबब जी हाँ, और फिर आखिर में बोले बंदे अगर रब के हो तो रब से मांगो, अगर का लफ्ज जो है यहाँ पर बहुत अहमियत का हामिल है। अगर तुम अगर निकाल दो वहां से तो फिर जिससे चाहे आप मांग सकते हैं, अगर रब के बंदे हैं तो रबी से मांगना चाहिए। तुम अपनी बाप की औलाद हैं तो अपने बाप का नाम रोशन करो, ये मतलब अगर जो है बहुत अहमियत का हामिल लफ्ज है ये। अगर जब मान लेते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह से ही मांगना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात है अमजद हैदराबादी ने कहा है, इसके अंदर ईमान की जो है पुख्तगी, इस जुआन के इनके सारी और जो है शुक्रगुजारी, और अपने लोग जो आपका परवरदिगार है पालने वाला उसी के सामने हाथ फैलाने की तलखीन कर रहा है शायर।